अब बिग हेलो टू ऑल माई डियर व्यूअर्स आज जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अ मैरी क्रिसमस ये लिया गया है लिटिल वुमेन नावल से और इस स्टोरी में हम देखेंगे दैट फोर सिस्टर्स है जिनका नाम है मैग जो बैथ एंड एनी मार्च ये चारों सिस्टर्स बहुत ही काइंड रहती हैं इनके फादर कहीं दूर वॉर में हैं और ये अपनी मदर के साथ और उनकी एक सर्वेंट के साथ रहती है तो चलिए आज हम इस स्टोरी को पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ रिकमेंड स्टडी टेबल अमॉन्ग योर फ्रेंड्स चलिए हम इसे स्टोरी को शुरू करते हैं मैक जो बैथ एंड एनी मार्च आठ दस सिस्टर्स हु लिव विद देयर मदर इन बॉस्टन

प्यार बहुत है दिस एक्सट्रैक्ट टेल अस अबाउट हाउ दे स्पेंड देयर क्रिसमस मॉर्निंग और ये जो एक्सट्रैक्ट इट मीन्स ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर हमें बताता है कि वो कैसे अपनी मॉर्निंग को क्रिसमस मॉर्निंग को इंजॉय करती है और कैसे अपनी क्रिसमस मॉर्निंग को सेलिब्रेट करती है तो चलिए हम शुरू करते हैं इस स्टोरी को जो वॉज द फर्स्ट टू वेक इन द ग्रेट डॉन ऑफ क्रिसमस मॉर्निंग नो स्टॉकिंग्स हंग एट द फायर प्लेस एंड फॉर अ मोमेंट सी फेल्ट एज मच डिसअपॉइंटेड एज डिट लॉन्ग एगो सबसे पहली थी जो कि क्रिसमस मॉर्निंग में डस्ट के टाइम में उठ जाती है सुबह का जो टाइम रहता है उसे डॉन भी बोलते तो उस टाइम में उठ जाती है और वो देखती है कि फायर प्लेस के पास कोई भी स्टॉकिंग्स नहीं है एंड वो बहुत ज्यादा डिसपॉइंटेड हो जाती है बिकॉज Uh, थोड़े टाइम पहले भी वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी जब उसका जो एक शॉक था वो गिर गया था एंड इट वॉज फुल ऑफ गुड इज़ ओके दैन शी रिमेंबर्ड हर मदर्स प्रमिस एंड स्लिपिंग हर हैंड अंडर हर पिलो और उसके बाद देखो उसको अपनी मदर का प्रामिस याद आता है बिकॉज ये एक कल्चर होता है कि क्रिसमस डे के टाइम में बच्चों को ऑलवेज कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलते हैं तो इनको इसकी मदर का प्रॉमिस याद आता है और ये अपने हैंड को पिलो के आ, नीचे डालती है एंड ड्री आउट अ लिटिल क्रिमज़न कवर्ड बुक और वहाँ पर उसको एक क्रिमज़न कवर्ड बुक मिलती है क्रिमज़न क्या होता है पर्टिकुलर टाइप ऑफ कलर रेड ब्राउन बोल सकते हैं उसे वैसा उस कवर का एक बुक मिलता है सी न्यू इट वे वेल फॉर इट वॉज द ब्यूटीफुल ओल्ड स्टोरी ऑफ द बेस्ट लाइफ एवर लिव एंड जो फेल्ड इट वॉज अ ट्रू गाइड बुक फॉर एनी पिलग्रीम गोइंग ऑन अ लॉन्ग जर्नी तो देखो इसको पता था इस बुक के बारे में अच्छे से ये एक बहुत ब्यूटिफुल ओल्ड स्टोरी है आ, किस तरीके से आप अपने लाइफ को जी सकते हैं एंड जो को जो ना ऐसा फेल्ट हो रहा था फील हो रहा था कि यह सबसे अच्छी बुक है अगर कोई भी किसी लॉन्ग जर्नी पर जाता है तो वो इस बुक को जरूर यूज कर सके जो मैं को उठाती है और उसको मैरी क्रिसमस बोलती है एंड उसको रिक्वेस्ट करती है कि तुम भी एक काम करो तुम अपने पिलो के नीचे देखो क्या लिखा हुआ है अ ग्रीन कवर्ड बुक अपियड विद द सेम पिक्चर इन साइड एंड अ फ्यू वर्ड्स रिटर्न बाई द मदर विच मेड देयर वन प्रेजेंट वेरी प्रीसियस इन देयर आइज तो देखिए इसके पास भी एक ग्रीन कवर्ड बुक था वहाँ पर और सेम पिक्चर्स थे उसमें उसके बुक के भीतर और कुछ वर्ड्स थे जो कि उसके मदर ने लिखे थे जो कि इनका जो ये प्रेजेंट था ना वेरी क्रिसमस का मेरी क्रिसमस का बहुत ज्यादा प्रीसियस कर दिया था Presently, Beth and Amy walk to rummage and find their little books. Also, one dove-colored and the other blue, and all sat looking at one and talking about them. While the east grew rosy with the coming day. Okay, देखिए उसके बाद दो sisters को तो present मिल चुका था उसके बाद की जो Beth जो थी उसे भी एक present मिल जाता है little book मिल जाता है जो कि एक dove-colored का रहता है dove means क्या होता है white color and दूसरा जो रहता है blue color का रहता है और सबके सब एक साथ बैठ जाते हैं उस बुक के बारे में बात करते हैं जबकि चारों तरफ रोज ही रोज खेले हुए थे वाइल्ड द ईस्ट ग्रू रोज ही विथ कमिंग डे नेक्स्ट देखिए इन स्पाइट ऑफ अर स्मॉल वेनिटीज़ मार्गरेट हैड अ स्वीट एंड पायस नेचर विच अनकॉन्सली इन्फ्लुंस्ड हर सिस्टर्स स्पेशली जो हु लव्ड हर वेरी टेंडरली एंड ओबेड हर बिकॉज हर एडवाइस वॉज सो जेंटली गिवेन तो देखो इन ये जो चारों सिस्टर्स थे इससे इसमें से, से जो मार्गरेट जो थी जिसको मैग भी बोलते हैं वो थोड़ी सी वैनिटी से भरी हुई थी वैनिटी क्या होता है दिखावा शो ऑफ करना लेकिन उसका जो नेचर था ना वो बहुत ज़्यादा पायस था पायस मीन्स क्या होता है प्योर एंड इसके चलते इसकी जो बाकी के सिस्टर्स थी इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहती थी खासकर जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहती थी अपनी सिस्टर मार्गरेट से एंड हु लव्ड हर वेरी टेंडरली जो कि उसको बहुत टेंडरली लव भी किया करती थी और ऑलवेज अपनी सिस्टर का कहना भी मानती थी जो भी एडवाइस वो देती थी बिकॉज़ ये बहुत जेंटली दिया करती थी एडवाइस Girls said, Mac seriously, Mother wants us to read and love and mind these books, and we must begin at once. We used to be faithful about it, but since father went away and all this war uh, troubled unsettled us, we have neglected many things. You can do as you please, but I shall keep my book on the table here and read a little. एवरी मॉर्निंग एज सुन एज आई वॉक फॉर आई नो इट विल डू मी गुड एंड हेल्प मी थ्रू द डे ओके देखिए मार्गरेट उठती है और मार्गरेट क्या बोलती है कि गर्ल्स अपनी बाकी सिस्टर्स को बोलती है गर्ल्स मदर चाहती है कि हम ये जो बुक हैं इसे एक साथ पढ़ें एंड वी मस्ट बिगेन एट वंस और हम लोग इसे एक साथ पढ़ना शुरू भी करें और हम लोग हर चीज़ में काफ़ी ज़्यादा फेथफुल रहे हैं और जैसे कि फ़ादर हमारे वॉर पर गए हुए इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रबल में भी है अनसेटल्ड भी है और हमने काफ़ी चीज़ों को निग्लेक्ट भी किया है तो जैसा तुम लोग चाहो तुम लोग वैसा कर सकती हो बस मैं तो यही एडवाइस करूँगी कि हम लोग सुबह हम लोगों सब को सबको सुबह इस बुक को पढ़ना चाहिए और जैसे ही सुबह होती है जैसे ही मैं उठूँगी वैसे ही मैं इस बुक को पढ़ना शुरू करूँगी बिकॉज़ आई नो इट विल डू मी गुड एंड हेल्प मी थ्रू द डे बिकॉज मैं जानती हूँ कि इससे मुझे फ़ायदा होगा और पूरे दिन तक इससे मुझे हेल्प uh, मिलेगी देन से ओपन हर न्यू बुक एंड बिगिन टू रीड जो पुट हर आर्म राउंड हर एंड लीनिंग चिक टू चिक रीड ऑल्सो विद द क्वाइट एक्सप्रेशन सो सेल्डम सीन ऑन हर रेस्टलेस फेस ओके उसके बाद देखिए मैग एंड जो दोनों नेक्स्ट टू नेक्स्ट बैठती है और साथ में चिक से चिक सटा कर बैठती है और पढ़ने का कोशिश करती है और इसमें से जो जो रहती है मैग के एक्सप्रेशंस को देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा फील करती है उसके एक्सप्रेशंस को भी ऑब्जर्व करती है जो इस तरीके से बुक को पढ़ रही है तो वो भी विस्पर करती है अपनी एक और सिस्टर के साथ कि हम लोगों को भी मैग एंड जो के तरह ही ऐसे ही पढ़ना चाहिए जब कभी भी तुम अटकोगी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी वर्ड्स वगैरह समझने में वेरी मच इम्प्रेस बाई द प्रिटी बुक्स एंड एंडर सिस्टर्स एग्जाम्पल तो बैथ ना बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हो जाती है इस प्रटी बुक से और अपने सिस्टर्स उसकी बाकी जो दो सिस्टर्स थे इस तरीके से पढ़ रही थी उसे देखकर वो बहुत इंप्रेस होती है वेयर इज़ मदर अस्क मैग सी हैंड जो रैन डाउन टू थैंक हर फॉर देयर गि Half an hour later. देखिए बुक पढ़ने के आधे घंटे बाद जो एंड मैक जो है अपनी मदर को नीचे थैंक्स बोलने के लिए जाती है और पूछती है वेयर इज मदर गुडनेस ओनली नोज सम पुअर क्रिएटर्स कम अप अपगन एंड योर माँ वेंट स्ट्रेट ऑफ टू सी वॉट वॉज नीडेड देयर नेवर वॉज सच अ वुमेन फॉर गिविंग अवे वेटलेस एंड रेइंग क्लोथ्स एंड फ्रॉन् रिप्लाइड हाना तो देखिए हाना कौन है हाना एक फैमिली uh, में ही एक सर्वेंट है जो कि इन लोग के साथ रहती है जब से मैक का जन्म हुआ तब से वो इन लोगों के साथ हैं एंड सर्वेंट से ज्यादा एक फ्रेंड बनकर रहती है तो ये जो हाना रहती है यही इन लोगों को इन्फॉर्म करती है कि तुम्हारी मदर जो है वो किसी जो एक बैगिंग वगैरह जो करते हैं जो जो बहुत कमजोर होते हैं जो फिनेंशियली स्टेब्लिश नहीं रहते हैं उनकी हेल्प करने के लिए गई है बिकॉज कोई आया था और तुम्हारी मदर तुरंत एकदम चली गई उसकी हेल्प करने के लिए तो वो और क्या बताती है दे आर नेबर वॉज सच अ अन फॉर गिविंग अवे तो ऐसी शायद ही कोई वुमेन होगी जो कि हर चीज अपनी खाने पीने का सामान और जो भी डिस वगैरह होता है वो सब देने के लिए तुरंत रेडी रहती है नेक्स्ट देखिए क्या डिस्क्राइब किया हुआ है सी विल बी बैक सून आई थिंक सो फ्राई योर केक एंड हैव एवरी थिंग रेडी सेट मैग लुकिंग ओवर द प्रेजेंट विच वे आर कलेक्टेड इन अ बास्केट एंड कैप्ट अंडर द सोफा रेडी टू बी प्रोड्यूस्ड एट द प्रॉपर टाइम तो देखिए इसकी मदर ने इन लोगों को मैरी क्रिसमस का गिफ्ट दिया है इसीलिए ये लोग भी सोच रही है कि गिफ्ट देंगे और इसीलिए ये लोग बोलती है कि जल्दी जल्दी सारे सामान को रेडी कर लो मैग ऐसा बोलती है प्रेजेंट्स की तरफ देखती हुई कि मदर आती ही होगी बास्केट वगैरह सब कुछ रेडी करो और उसको सोफा के नीचे रख दो रेडी टू प्रोड्यूस्ड एट द प्रॉपर टाइम और जब प्रॉपर टाइम आएगा तब हम लोग अपनी मदर के लिए यह सारे गिफ्ट निकालेंगे देयर इज मदर हाइड द बास्केट क्विक तो जो 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 जिसका नाम है जिस लड़की का वो क्या बोलते है? जल्दी से आ, गिफ्ट वगैरह को सोफा के नीचे रखो क्योंकि मदर यहाँ पर आ चुकी है अनदर बैंक ऑफ द स्ट्रीट डोर सेंट द बास्केट अंडर द सोफ़ा एंड द गर्ल्स टू द टेबल ईगर टू ब्रेकफास्ट और देखिए उसके मदर जैसे ही आती है उनको दरवाजे की आवाज़ सुनाई देती है वैसे ही ये लोग जो इसका जो बास्केट था इसके सोफ़ा के नीचे रख देती है और जितनी भी गर्ल्स थी सबकी सब, सब ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाती है नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है मैरी क्रिसमस मामी थैंक यू फॉर योर फॉर आवर बुक्स वी रीड सम एंड मीन टू एवरीडे दे क्राइड इन कोरस तो जैसे ही मदर आती है तो वो लोग उसको मैरी क्रिसमस विस करती है और बुक्स के लिए थैंक्स बोलती है और बोलती है कि हम लोग इसे रोज़ पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा मैरी क्रिसमस लिटिल डॉटर्स और वो सबके सब भी मदर जो रहती है वो भी बोलती है कि मैरी क्रिसमस लिटिल डॉटर्स आई एम ग्लैड यू बिगिन एट वंस एंड होप यू विल कीप ऑन बट आई वॉन्ट टू say वन वर्ड बिफोर वी sit डाउन तो देखिए जो मदर रहती है वो क्या बोलती है कि थैंक यू और मैं सोचती हूँ कि तुम लोग हमेशा इसको साथ नहीं पढ़ोगे, बट मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ वो बताती है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं एक वीमेन रहती है पास में ही और उसके बहुत सारे न्यू बॉर्न बेबीज़ भी है उसके सिक्स चिल्ड्रंस हैं और हडल्ड इन टू वन बेड टू कीप फ्राम फ्रीजिंग एंड अपने आप को ठंड से बचाने के लिए वो सब एक ही बेड में रहते हैं और उनके पास कोई भी नहीं है देयर इज नथिंग टू ईट ओवर देयर एंड द ओल्डेस्ट बॉय केम टू टेल मी दे देर सफरिंग हंगर एंड कोल्ड तो उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है और उनका जो सबसे बड़ा बेटा था वो मुझे बताने के लिए आया था कि वो कितनी ज़्यादा परेशानी में है माई गर्ल्स विल यू गिव देम योर ब्रेकफास्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट तो ये देखिए इतनी अच्छी लेडी है ये बाकी अपनी बेटियों से बोलती है कि क्या तुम लोग अपना जो ब्रेकफास्ट है वो उनको क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में देना चाहोगे They were all unusually hungry, having waited nearly an hour, and for a minute no one spoke, only a minute. फॉर जो एक्सक्लेम्ड इम्पिटियसली आई एम सो ग्लैड यू केम बिफोर वे बिगन तो देखो ये क्या बताती है उसकी मदर कि यूजवली वो लोग हंगरी ही रहते हैं और करीबन करीबन आधे घंटे से वो लोग हंगरी है एंड कोई कुछ नहीं बोला थोड़े टाइम के लिए उसके बाद जो जो जिसका नाम था वो इम्पिटियसली बोलती है इम्पिटियसली मतलब क्या बहुत ज़्यादा एकदम खुशी से बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप पहले आ गई हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया इट मीन्स वो अपना ब्रेकफास्ट देने के लिए रेडी है मे आइट गो एंड and <laughs> कैरी द थिंग्स टू द पुअर लिटिल चिल्ड्रेन क्या मैं जाकर उनकी हेल्प कर सकती हूँ पुअर लिटिल चिल्ड्रेंस की बैथ भी ऐसे अपनी हेल्प को आगे बढ़ाती है बोलती है कि मैं भी देने के लिए रेडी हूँ आई शैल टेक द क्रीम एंड द मफिनस एडिट एमी और उसके बाद एमी क्या बोलती है देखो कि मैं जो मेरे क्रीम्स एंड मफिन मफिन्स क्या होता है केक टाइप का होता है कुछ खाने का तो मैं वो देने के लिए रेडी हूँ इट मीन्स जितने भी जो भी बच्चे हैं इसके चारों चारों के चारों ही कुछ भी देने के लिए रेडी है मैं वॉज ऑलरेडी कवरिंग द बक वेट्स एड ब्रेड इन टू वन बिग प्लेट तो देखो मैग जो थी वो पहले से ही रेडी कर रही थी बकवेट्स को बकवेट्स आई थॉट डू इट एंड सेड मिसेस मार्च स्माइलिंग एज इफ सेफाइड यू शैल ऑल गो एंड मी एंड वी कम बैक वी विल है तो देखिए इसकी जो मदर बोलती है स्माइल करते हो कि मुझे पता था तुम लोग जरूर हेल्प करोगे उन लोगों को हम लोग सबके सब जाएंगे उनको हेल्प करेंगे थोड़ा बहुत खाना देंगे और जब हम रिटर्न आएंगे तब हम ब्रेड एंड मिल्क अपने ब्रेकफास्ट मिलेंगे एंड उसके बाद डिनर टाइम की तैयारी करेंगे तो ये स्टोरी थी हम लोग की आज मैं इसको यहां तक कंटिन्यू कर रही हूं नेक्स्ट डे इसका दो तीन पेज जो ड्यू है उसको भी मैं कंटिन्यू कर दूंगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल